आज गांव गांव में देवस्थान है, वो भले ही सिद्धि को प्राप्त होंगे ये मैं नहीं कह रहा हूं। हर ग्राम के देवता की अपनी अपनी महिमा है, अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन सत्य तो यह है कि सत्संग के माध्यम से, किसके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से आपने इस ग्राम को, क्योंकि घोषित किसने किया है, घोषित करने वाला साधु है। और मैं कहता हूं संविधान भी घोषित करता है गांव नगर को, आध्यात्मिक संविधान की घोषणा कौन करता है, बोले आध्यात्मिक संविधान की घोषणा यदि करता है तो उसके लिए शास्त्रों ने महात्मा को घोषित किया है, महात्मा करेगा। तो आज महात्मा ही तो कह रहा है आपने धाम बना दिया, गांव धाम बना दिया। संत जिस ग्राम में पहुंच जाते हैं वहां की समस्याएं दूर हो जाती हैं। ननिहाल से भरत अयोध्या में आए, अयोध्या की समस्या दूर हुई। गलत कह रहा हूं क्या मैं? ननिहाल में थे, अगर भरत जी अयोध्या में होते तो कोई समस्या ही पैदा नहीं होती। ननिहाल चले गए थे, लेकिन अब भेजा तो राम जी ने था, राम जी ने, क्योंकि वो जानते थे कि ये रहेगा तो हम बन जा ही नहीं पाएंगे, इसलिए इसको पहले दूर करो। तो भगवान ने ही कहा था, किसी भरत जी महाराज प्रभु राम की आज्ञा से कार्य करते हैं, यही तो अंतर है। एक बात आप, लक्ष्मण जी क्यों नहीं गए, आप कल्पना करिए, लक्ष्मण जी नहीं गए, लक्ष्मण जी को भी भेजा जा सकता था कि तुम अपने ननिहाल चले जाओ, भरत अपने ननिहाल चले जाएं, शत्रुघ्न और लक्ष्मण ये दोनों अपने ननिहाल चले जाओ, हैं? अब हम यहाँ पर संभालेंगे, जब तुम लौट के आ जाओगे तो हम अपने ननिहाल चले जाएं। क्यों भाई? यही जब बातचीत होनी थी, ननिहाल भेजने की बात होनी थी, तो फिर तो इसी प्रकार से परामर्श रहता कि भगवान कहते कि देखो एक काम करो, भरत तुम अपने ननिहाल जाओ, शत्रुघ्न लक्ष्मण तुम अपने ननिहाल चले जाओ, हम अभी रुके हुए हैं, जब तुम सब लौट के आ जाओगे तो हम अपने ननिहाल चले जाएंगे, क्योंकि ननिहाल में जाने की परंपरा है। क्यों है कि नहीं? ननिहाल में एक उत्कंठा भी रहती है कि हम ननिहाल जाएं, मामा के घर जाएं, उसी को मामा का घर कहते हैं। क्यों भाई? कहते हैं कि नहीं कहते? ननिहाल, तो ननिहाल जाएं। लेकिन याद रखना, भरत को भेजा कि भरत तुम ननिहाल जाओ। मुझे लगता है लक्ष्मण से कहा होगा कि तुम भी जाओ, ऐसा मैं अनुमान कह रहा हूं, कहीं कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन लक्ष्मण जी गए नहीं, जाते ही नहीं है, वो राम को छोड़ के नहीं जा सकते, हो राम को छोड़ के नहीं जा सकते, जा सकते क्या? नहीं जा सकते, राम जी को छोड़ के तो जा ही नहीं सकते, जा सकते क्या? भरत में और लक्ष्मण में यही तो अंतर है। भगवान राम जहां भरत को भेजते हैं, भरत वहां चले जाते हैं, और लक्ष्मण जी ये कहते हैं कि मेरा निवेदन है जहां आप जाते हैं वहीं मैं जाता हूं, आपके अलावा मैं कहीं नहीं जाता हूं, आप जहां जाते हैं मैं वहीं जाता हूं। और भरत का यही निवेदन है कि आप जहां मुझे भेज देते हैं मैं वहां जाता हूं, आप जहां रहने के लिए कह देते हैं मैं वहीं रह जाता हूं। लक्ष्मण कहते हैं जहां आप रहते हैं मैं वहीं रहता हूं, मैं कहीं नहीं जाता हूं, आपको छोड़ के नहीं जाता हूं। ये सत्य है कि लक्ष्मण जी कभी छोड़ के नहीं गए भगवान को। एक बार एक चर्चा हुई, बोले ये साहब कैसे आपने कह दिया कि छोड़ के नहीं गए, गए छोड़ के कहां चले गए छोड़ के? अरे राम जी स्वयं कह गए और छोड़ के राम जी चले गए, सीता केरी करो रखवारी। क्यों भाई? कह के गए कि सीता की रक्षा करना, ये मैं जा रहा हूं, तो ये छोड़ना नहीं है, तो व्यवस्था है। अच्छा दूसरी बात ये है कि छोड़ कहां अकेले हुए, गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। अगर लक्ष्मण जी सीता जी के पास हैं तो राम जी के पास तो हैं, राम में और सीता में क्या अंतर है? बोलो बोलो, ये दोहा प्रमाण दे रहा है कि गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जी नहीं परम प्रिय किन्न। जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है,
तो लक्ष्मण जी अगर सीता माता के पास है तो ये नहीं कहा जा सकता है कि राम से दूर है, है ना। और फिर राम जी की आज्ञा हुई कि मैं लौट के आ रहा हूं। भरत जी को तो राम जी ने ही भेजा है कि भरत तुम ननिहाल जाओ। इस बात को जानते थे प्रभु राम कि लीला का विस्तार करना है, ये भरत रहेगा तो कभी कोई अशांति या अनहोनी स्थिति पैदा ही नहीं हो सकती है, कोई अयोध्या में संकट ही पैदा नहीं हो सकता है अगर भरत रहेगा। समझ में बात आ रही है। संत अगर है और संत में संतत्व है, केवल भेद से ही ना हो, संत में अगर संतत्व है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जहां पर संत रहेगा और उस संत में संतत्व होगा वहां का समाज कभी संतत्व नहीं हो पाएगा, किसी भी व्यथा से व्यथित नहीं हो सकता है, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं। कोई व्यथा ही नहीं रह सकती है, संत सारी व्यथा को अपने ऊपर ले लेता है। संत जो है व्यथा को अपने ऊपर ले लेता है, वो आंच नहीं आने देता है। मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, यहां सिद्धेश्वर बाबा बैठे हुए हैं। बड़ी से बड़ी समस्याएं आती हैं, तुम समझ नहीं पाते हो, तुम समझ ही नहीं सकते हो। बड़ी से बड़ी समस्याएं आती हैं तुम्हारे यहां, लेकिन ये बड़ी से बड़ी समस्याएं स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं और छोटे में निकाल देते हैं। बहुत छोटे में वो समस्याएं निकल जाती हैं, बड़ी से बड़ी समस्या अपने ऊपर ले लेते हैं। ये है सिद्ध का प्रभाव, समझ रहे हो कि नहीं। इसलिए आज तुमने जो आयोजन में अपनी उपस्थिति और अपना सहयोग जो भी यथाशक्ति दिया है, ये समझ लीजिए तुमने अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लिया है। इस बात को समझ लेना, इसमें ये मत सोचना कि मेरे ऊपर इतना सहयोग का भार डाल दिया है या मैं इतना सहयोग कर रहा हूं। नहीं नहीं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लिया है। जो भी तुम्हारे घर में धन धान्य होगा, तुमने अगर सिद्ध बाबा के उत्सव में दान में दे दिया तो सब कुछ रखा हुआ परम पवित्र हो गया और वो सुरक्षित हो गया। अब उसे कोई माई का लाल असुरक्षित नहीं कर सकता है। तुम्हारे खेतों में जो भी आज तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसकी भी सुरक्षा करने का दायित्व तो आज सिद्ध बाबा ने अपने हाथ में ले लिया है। प्यारे, साधारण बात नहीं है, सिद्ध बाबा ने अपने हाथ में ले लिया है कि तुम चिंता मुक्त हो जाओ। एक सेठ का धन धरती में गड़ा हुआ होता है, तिजोरी में रखा हुआ और छिपा हुआ होता है, लेकिन किसान का धन तो खेत में उजागर दिखाई देता है कि ये हमारा धन रखा हुआ है। बोलो, इसकी रक्षा कौन कर रहा है? भाई, लुटेरे इसको नहीं लूट सकते हैं, लेकिन पता चला बादल से पत्थर गिर गए तब क्या करोगे तुम? बोलो भाई, लेकिन इसको बचाएगा कौन? सिद्ध बाबा बचाएंगे। और ये सत्संग में जो संत आए हैं आशीर्वाद देकर के इसे सुरक्षित करेंगे, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इधर सिद्ध बाबा भी बचाएंगे, उधर सिद्धेश्वर नाथ भी बचाएंगे, और धूमेश्वर नाथ भी बचाएंगे, और कामता नाथ भी बचाएंगे। कामता नाथ भी तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। इसलिए विश्वास करने की जरूरत है। किसकी जरूरत है? विश्वास की जरूरत है। आज तुम जो भी अर्पण करोगे मुझे, वो कामता नाथ के दरबार में जाएगा। कहाँ जाएगा बोलो भाई? कामता नाथ के दरबार में जाएगा। कामता नाथ के दरबार में पहुंच गया तो ईमानदारी के साथ बताओ, उनकी जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती है? घर में नहीं जाएगा? हमारा तो कोई घर ही नहीं, निजी तो कोई घर ही नहीं है। साधु बन गया, छोटी सी उम्र से ही छाटू साधु बन गया था। 10 साल की उम्र से तो घर ही गांव छोड़ दिया था मैंने। गांव में तो मैं जाते ही नहीं हूँ, जन्मभूमि में। अभी मेरे पिताजी का निधन हुआ तो बस 10 मिनट के लिए लोगों ने कहा साधुओं ने कि आपको थोड़ा जाना चाहिए, तो मैं चला गया था। बस इसके बाद ना उनके संस्कार में सम्मिलित हुआ, ना उनकी त्रयोदशी में सम्मिलित हुआ। 10 गात्र के बाद 10 मिनट के लिए गया था। गाँव नहीं जाता हूँ, जन्मभूमि में मेरा प्रवेश। पहले तो फुर्सत ही नहीं है, और फिर हमारी जन्मभूमि तो अब मैं साधु बन गया हूं, तो चित्रकूट धाम प्रमुख द्वार में मेरी जो मेरा स्वरूप व्रत संस्कार हुआ वही मेरी जन्मभूमि हो गई। जब भेष बदल दिया, गोत्र बदल दिया, कुल बदल गया, सब कुछ बदल गया, तो जहां पर मेरा विरक्त संस्कार हुआ है चित्रकूट कामदगिर में, वही मेरी जन्मभूमि हो गई। सब तो बदल गया, पिता के नाम पर गुरु का नाम आ गया। क्यों आ गया कि नहीं आ गया? है, सब बदल जाता है।
स्वरूप बदल गया, भेष बदल गया, सब कुछ बदल गया। तो इसका मतलब यह है कि मेरा जो परिवार है, घर है, वो कामतानाथ है। कौन है? कामतानाथ है। और कामतानाथ का अर्थ व्यक्ति नहीं होता है, व्यक्तित्व है। और पूरा समाज, यदि आप कामतानाथ से जुड़ रहे, अंदौरा ग्राम, आसपास के ग्राम यदि कामतानाथ से जुड़ रहे हैं, तो आप सब कामतानाथ का परिवार माना जाएगा। आप सब कामतानाथ के परिवार के सदस्य। आप ऐसा मत मानना, इतना बड़ा स्वामी आपको मिल रहा है संरक्षण के रूप में, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े शहरों में इन तारीखों में न जाने कहां कहां मुझे बुलाया गया है, और लोग लाइन लगाए हैं। बीच में तो मैंने कह दिया था कि मेरी असमर्थता है, मैं आ नहीं सकता हूं, कहा था कि नहीं। तो ये रमेश फोन बार बार करे और कहे कि नहीं महाराज जी आना है। गांव के लोगों की फिर बैठक बुलाई, धूमेश्वर में आप लोग गए थे ना सब लोग, तो वहां पर धूमेश्वर में फिर थोड़ा उथल पुथल हुआ, लेकिन फिर अनुकूलता बनी। फिर बीच में फोन पर बात हुई तो मैंने कहा आने की फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, समय वास्तव में नहीं है। लेकिन कामतानाथ ने कहा नहीं नहीं, कामतानाथ जी ने कहा है कि नहीं नहीं, अंदौरा ही जाना है, अंदौरा जरूर जाना है। तो ये समझ लो कामतानाथ जी महाराज ने ही प्रेरणा देकर भेजा, अंदौरा जाना ही जाना है। तो अब आप सोचिए जरा, वो जहां वो भेज देते हैं, वही संतमानी भरत की तरह जीवन है मेरा, तो जहां उन्होंने भेज दिया वहां मैं चला गया। मैं अपने को लक्ष्मण की तरह नहीं मानता हूं, मैं तो भरत की परंपरा का मानता हूं, है ना। जहां वो भेज देते हैं वहां मैं जाता हूं। भरत जी का चरित्र भी इसी बात का द्योतक है, इसी बात की पुष्टि कर रहा है। भगवान ने कहा जाओ भरत ननिहाल।